एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आई जिसको कहा गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। तो ये है मार्क वाइजर साहब, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था यूबिक्विशियस कंप्यूटिंग। इन्होंने कहा था कि कंप्यूटिंग या फिर जितने भी कंज्यूमर गुड्स होंगे उन सब में कुछ ना कुछ कंप्यूटिंग आ जाएगी, या हर चीज अब ऐसे गवर्न होगी, हर जगह आपको कंप्यूटिंग मिलेगी। तो जितने भी आपके घर में वायर्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं जो डोर को हैंडल करते हैं, विंडो सेंसर्स उसमें लगे होते हैं, हर घर में ऑलमोस्ट है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस या वाटर मीटर, ये भी आप देखते हैं कि आपको बता देता है कि इतना इतना खर्चा हो गया, यानी कि ये भी स्मार्ट हो गया। कहीं पर स्मोक डिटेक्शन है या फिर फायर डिटेक्शन है, ये भी बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि डायरेक्ट आप फायर डिपार्टमेंट पे कॉल चला जाता है, ऐसा नहीं कि वो टू करेगा। स्मार्ट रेफ्रिजरेटर आपको बता देगा कि आपका दूध खत्म होने वाला है। तो यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चित्र है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। ये जो रेवोल्यूशन आप देख रहे हैं ना, जिसकी कल्पना वाइजर साहब ने की थी, इसी को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, एक रेवोल्यूशन कह सकते हैं। इसमें क्या है कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। जैसे हाई एंड कैमरा, फटाफट फोटो भेज दीजिए, जो फोटोग्राफर्स हैं वो आराम से रियल टाइम में एडिटर्स को फोटो भेज रहे हैं। डिवाइसेस जैसे टेलीविजन है, उसको आप प्लग करिए किसी वॉल में और वो सारे के सारे पावर ऑनलाइन यूज कर रहा है। कहने का मतलब आपके टीवी पे, आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे दिखा देगा कितना आपने पानी यूज किया। ये भी बता देगा कि आपका ये जो लैदर है, यानी कि जब हम साबुन मिलाते हैं पानी में तो लैदर जो फोम बनता है वो ज्यादा तो नहीं हो गया, वो आपको बता देगा। बकायदा आपको वाटर बिल में आपका आएगा कि इतना इतना आपने पैसा बचा लिया। या एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, जो आजकल हमारा ग्लोबल वार्मिंग ये सब चल रहा है, वो सब आपको जानकारी दे देगा कि भाई थोड़ा सा पानी कम यूज करिए, ज्यादा यूज कर लिया आपने, ये भी जानकारी आपको मिल रही है। यही तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है।